हेलो देयर, हैंडराइटिंग हर एक इंसान के जीवन का हिस्सा है, तो यह वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, अर्थात मेरे हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट जर्नी के ऊपर होने वाली है। तो चलो ले चलते हैं आपको फ्लैशबैक में, लेट्स डिकोड माय पास्ट। बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, एक्सरसाइज। आप ऐसे राइटिंग स्ट्रोक्स की एक्सरसाइज भी कर सकते हो, इसके ऊपर वीडियोस बना रखिए और सेपरेट ऐसे हाथों की ऐसे ऐसे करके या फिर बालों की चंपी करके, ऐसे करते वक्त आपके काफी सारे हैंड मसल्स यूज होंगे। In that shell, hand strengthening exercises करो, then you will see your hand will work wonderfully well. आप लोग समझ ही रहे हैं कि इस मसाज में भी एक मैसेज है। इससे आपके हाथों पर फिंगर्स पर अच्छे से कंट्रोल आएगा। पेन को लेके भी आपके काफी सारे सवाल होते हैं, कोई महंगे या फैंसी पेन के पीछे ना भागे, लाइट वेट पेन चुनो जो स्मज ना करे, जिसकी ग्रिप अच्छी हो, लिखते वक्त अच्छा खासा फ्रिक्शन मिले, सटकने नहीं चाहिए पेन लिखते वक्त, और क्वालिटी ऑफ पेपर भी मैटर करती है। अगर हेवी और इंक जेल पेन हो तो अच्छे क्वालिटी के पेपर्स होने चाहिए, कम क्वालिटी के हो तो बॉल पेन यूज कर सकते हो। मैं ये पेन इस्तेमाल करती हूँ, अब आप लोग अपना देख लो। एंड पॉइंट बी नोटेड, ज़्यादा भी हावी नहीं होना है खुद पे, और बेहतर रहेगा आपकी जो भी हैंडराइटिंग स्टाइल है उसे ही बरकरार रखे, जो भी यूनिकनेस है उसकी उसे बनाए रखिए, किसी के हैंडराइटिंग स्टाइल कॉपी करने के बजाय। नहीं तो किसी की तरह डिक्टो हैंडराइटिंग निकालने के चक्कर में हम हमारी प्रेजेंट हैंडराइटिंग भी बिगाड़ देते हैं। रेफरेंस के लिए अवश्य हेल्प लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अच्छे हैंडराइटिंग को। और लिखावट निर्भर करती है, जैसे असाइनमेंट्स, जर्नलिंग, राइटनर राइटिंग, पर्सनल नोट्स की तो बात ही अलग है, वो तो कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आते। अब ये तो कितनी महाभयानक हैंडराइटिंग है, इसी वीडियो के प्लानिंग के बारे में है। और ये भी, आई एम गिविंग गाइस मोटिवेशन बाय इंसल्टिंग मी, पर जो है वो है, क्योंकि आप लोग वही पोर्शन देखते हो वेयर आई एम गिविंग माई बेस्ट। बिहाइंड द सीन्स तो ऐसी प्रैक्टिस रहती है, ऐसी भी। तो गाइज, ये फ्लैशबैक में जाके ये सब पचर पचर करने के पीछे का उद्देश्य यही था कि आपके हैंडराइटिंग किसी भी रेंज में क्यों ना आती हो, मतलब कम सही, ज़्यादा सही, उसमें सुधार ना की जा सकती है, हाँ उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अब आप ही बताओ, ये देख के आपके दिमाग की बत्ती जल गई या बुझ गई? यह है मेंटल जिंदगी, जब मैं चैनल पर वीडियोज डालती हूँ तब ऐसे हैंडराइटिंग होती है, और यह है आम जिंदगी, एग्जाम्स के वक्त आई सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। समझने लायक हो, साफ सुथरी हो, इतना ही काफ़ी है, बाकी क्या लिखा है, कैसे लिखा है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड पेपर है कि नहीं, पॉइंट वाइज आंसर लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलाज को हाईलाइट करना, एक्स वाई जी, ये सब मायने रखता है। तो ज़्यादा स्टाइलिस्टिकली अपीलिंग हैंडराइटिंग के पीछे मत भागो, खास तौर पर एग्जाम्स के वक्त, वरना पतंग कट गई आसमान में, मांझा सुलझा के क्या करोगे, एग्जाम का समय समाप्त हो जाएगा, मोहतरमा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग का क्या करोगे, और आप जितनी कड़ी मेहनत करके आए हो वो सब स्वाहा। तो 100 बातों की एक बात यही है, क्या बुरी क्या अच्छी, जो हैंडराइटिंग समझ में आए वही सही है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। हाँ, ज्यादा पन्ने लिखने से भी कुछ होगा नहीं, पहले आपको जानना पड़ेगा कि गलती से मिस्टेक कहाँ कहाँ पर हो रही है। एक्चुअली दीज आर नॉट मिस्टेक्स, क्योंकि हम कंप्यूटर तो है नहीं कि फिक्स्ड फॉन्ट लेके चले, थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है, लेकिन यही बारीक बारीक चीज़ें खूबियाँ बढ़ाती है। तो पहले वीडियोज में मैंने डिटेल्स में बताया था, लेकिन चलो फिर भी एक बार झलक हो जाए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। तो पहले शुरुआत करेंगे बाय लुकिंग एट दिस डैम थिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। आइए पोस्टमार्टम कर लेते हैं। लिखते वक्त पेपर थोड़ा टिल्ट करके लिखो, आसानी होगी। लेफ्ट हैंड से ट्राई किया था मैंने, तब भी ऐसे टिल्ट करके लिखने में ही कंफर्टेबल फील किया था। ज़्यादा भी प्रेशर देके मत लिखो, ज़्यादा देर तक नहीं लिख पाओगे और हाथ में भी दर्द हो जाएगा और पेज की हालत भी बिगड़ जाएगी। और अगर कुछ खड़ा खोड़, मतलब गलती से मिस्टेक हुई हो, कूट दिए। तो ऐसी नोचा कसोटी नहीं करनी, इंस्टेड मर्डर देम जेंटली। देखो लेटर्स कंप्लीट करके लिखे है या नहीं, अपर जोन लोअर जोन सही से मेंटेन किया है या नहीं, वेरिएशंस देखो, ऐसे टेढ़े मेढ़े किधर भी झुके पुके, प्रयास रहे कि एक ही स्लैंट रहे। अगर हैंडराइटिंग की साइज हमेशा बदलती रहती है तो उसे समान रखने का प्रयास किया जाए। ऐसे लेटर्स वर्ड्स चिपका चिपका के आगे मत बढ़ो, रिस्पेक्ट देयर पर्सनल स्पेस एज वेल। और कुछ के लेटर्स अचानक से तिधर बितर करने लगते हैं, ट्राई करें कि एक ही स्लैंट में रहे ये सब। ऐसे अगल बगल के लेटर्स को भी डिस्टर्ब मत करो, तकलीफ होती है, सवाल उनके आइडेंटिटी पे आता है, पहचानने में दिक्कत होती है ना,
और पेन पकड़ते वक्त भी ट्राई टू मेंटेन ऑप्टिमम डिस्टेंस। ज़्यादा नज़दीक से पकड़ के लिखोगे तो फिंगर्स को ज़्यादा घुमा घुमा के लिखना पड़ेगा, और ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे तो फिर पेन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। तो देखिए आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, कॉज अति सर्वत्र वर्जित, तो ये भी ख्याल रहे कॉज सम स्किल्स डेवलप विद प्रैक्टिस एंड सम विद प्रिकॉशंस। और अगर ये सब एग्जाम्स के वक्त एग्जाम्स के दिन फॉलो करने जा रहे हो तो प्रयास रहे कि इन सब झमेलों में ना पड़े, आपकी जैसी भी हैंडराइटिंग है उसी से काम चलाओ। और अगर ऐसी कोई जल्दी नहीं है तो ये छोटे मोटे बदलाव करते वक्त स्टार्टिंग में थोड़ा स्लोली लिखो, फिर एक बार अच्छे से उन पर पकड़ आने पर फिर हाई गियर पे चले जाओ, फिर स्पीड बढ़ाओ। और खुद के साथ सहज होना है, क्योंकि टीनेज में ना हमारे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को लेके फंडे हिले होते हैं और कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं। कभी कभी मुझे स्टूडेंट्स के मेल मिलते हैं जिनमें वो इनसिक्योर होते हैं हैंडराइटिंग को लेकर, यहाँ तक कि वो बात उनके सेल्फ इस्टीम तक आ जाती है। और जितनी नर्वसनेस उतना मिस, अरे यार मैं खुद वॉइस ओवरिंग वीडियोस बनाते वक्त नर्वस होती हूँ और फिर पूरी अनबन हो जाती है। तो ट्राई करें टू सेट योर स्पिरिट फ्री, चाहे तो रब बुक्स में लिखो, अलग अलग स्टाइल्स ट्राई करो, मिस्टेक्स करो, क्रिएशन मीन्स मिसिंग अपना, फिर जो भी स्टाइल सही लगे उसे पकड़ो, फिर उसे बरकरार रखो। अरे मैं अपने हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट जर्नी के बारे में भी बताने वाली थी, मैंने कैसे सुधारी अपनी हैंडराइटिंग, मैंने क्या किया, तो मैंने तो कुछ नहीं किया क्योंकि जो भी किया वो मेरे सरकमस्टेंसेस ने किया। इन्वायरमेंट का ज़्यादातर इम्पैक्ट रहा असल में, क्योंकि मेरे आज तक के जितने भी मेरे बेंच पार्टनर्स रहे उनके हैंडराइटिंग लाजवाब थी और उनसे इंस्पायर होकर मैं अच्छे हैंडराइटिंग निकालने का प्रयास करती थी। फिर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे एंड नो डाउट दिस कॉम्प्लीमेंट्स एक्ट एज ए कैटेलिस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट। और अगर देखा जाए तो हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स, डिजायर्स, अचीवमेंट्स और न जाने कौन कौन सी चीज़ें सोसाइटी के इम्पैक्ट से ही तो बनती है, हमारी इंडिविजुअलिटी तो कहीं तेल लेने जाती है। खैर अगर ये सब करके भी कुछ नहीं हुआ तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, वर्कशीट्स मिलते हैं ना उस पर प्रैक्टिस करो, फिर जय माता दी, फिर सब हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपके ऐसे भी सवाल होते हैं कि हैंडराइटिंग इंप्रूव करने में कितने दिन लगेंगे, देयर इज द कोट द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ कुछ है, पता नहीं ये सिलसिला कहाँ खत्म होता है, शायद जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, कॉज देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर इम्प्रोवाइजेशन। तो चलो मैं तो चली स्वैग से लिखने अपने सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स, अब आप लोग अपना देख लो, टाटा बाय।